मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में राम वृक्ष तेनी पूरी जयंती मनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण पढ़कर उनकी साहित्य पर परिचर्चा की गई, जहां DDC आशुतोष द्विवेदी व मान्य लोगों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जीवन में सब कुछ जरूरी है, लेकिन अगर हम बात करें साहित्य की तो साहित्य से ही हम इंसान बनते हैं। एक इंसान और जानवर में फर्क बस साहित्य का ही है। हमारे समाज के जो साहित्यकार हैं वो हमारे पूर्वधार हैं। वैसे सभी साहित्यकारों को सम्मान देना, उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचना ही नहीं, चलने का भी हमारा प्रयास रहा है। उन्हीं महान साहित्यकारों में से एक राम वृक्ष बेनी पूरी को याद करते हुए आज इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। कि हमारे समाज के जो साहित्यकार हैं वो हमारे पूर्वधार रहे हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे सभी साहित्यकारों को सम्मान देना, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में न सिर्फ सोचना बल्कि उस पर चलने की कोशिश करना हम सबका प्रयत्न रहता है। उसी क्रम में आज राम वृक्ष बेनी पूरी, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में अपने साहित्य की ज्योति से उन्होंने उजाला फैलाया, आज उनकी जीवन उनकी जन्मतिथि है। और इस अवसर पर जो लोग राम वृक्ष बेनी पूरी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से वाकिफ लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है ताकि सब लोग उनके बारे में बात करें, उनके विचारों के बारे में सोचें। मैं सभी को, जितने भी मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बेनीपुरी जी जो यहाँ से निकल करके और वैश्विक पटल पर उन्होंने पूरे भारत का नाम बढ़ाया, उनकी जन्मतिथि पर सबको मैं बधाई देता हूँ और यही अपील करता हूँ कि उनके आदर्शों उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलते रहें। सर, पैतृक आवास पर किस प्रकार की व्यवस्था है उनके? उनके आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भी शिलान्यास उनकी मूर्ति का, और वहाँ पर भी लोग हैं गए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो राजकीय कार्यक्रम जो जिला सभागार में आयोजित हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उनके विचारों के बारे में चिंतन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।